कार और दो स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर। खटीमा के चकरपुर इलाके में बड़ी सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें चार लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। मृतकों में तीन महिला व एक पुरुष बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खटीमा के चकरपुर शिव मंदिर के आगे हाईवे पर सानिया नाले की पुलिया पर कार व स्कूटी की भयंकर भिड़ंत हो गई। कार की चपेट में आई दो स्कॉर्पियो में सवार तीन महिला व पुरुष की मौके पर ही मौत की सूचना सामने आई है। मृतक खडीमा के मॉडल इलाके के बताए जा रहे हैं। वहीं दिन में हुई इस दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। राहगीरों की सूचना के बाद चकरपुर पुलिस चौकी टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम हेतु खडीमा के नागरिक अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल प्राप्त सूचना के आधार पर सभी मृतक खटीमा पीलीभीत रोड मुड़ेली के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटनास्थल के अनुसार ओवरटेक प्रथम दृश्य दुर्घटना का कारण प्रतीक हो रही है। फिलहाल घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के बाद कार व दोनों स्कूटी को कब्जे में ले लिया गया है। मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। करीब 2 बजे के आसपास अपराह्न नागरिक चिकित्सालय खटीमा में चार लोग लाए गए जो कि घायल अवस्था में थे। सड़क दुर्घटना में जो घायल हुए थे उनको दो को 108 के द्वारा और दो को पुलिस के द्वारा लाया गया, जिनमें एक पुरुष और तीन महिलाएं थीं। सभी की उम्र लगभग 55 से 35 के बीच में थी। इन लोगों को परीक्षण उपरांत पाया गया कि ये सभी मृत अवस्था में हैं, जिनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके उपरांत अब पुलिस के द्वारा उनके पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। टनकपुर रोड पर चकरपुर चौकी क्षेत्र में पड़ता है, एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक फोर व्हीलर से दो स्कूटियां टकरा गई हैं, और जो स्कूटी में जो सवार थे उनको जब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है, और जो कार चालक है उसकी तलाश जारी है, आगे की कार्रवाई की जाएगी।